स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का सोशल एंटरप्रेन्योर के लिए एक अहम पार्ट जो है वो फाइनेंशियल प्लान उसकी कई वजूहत हैं एक तो ये कि सोशल एंटरप्रेन अमूमन एक कॉज के साथ जो है वो फील्ड में एंटर होते हैं हार्डली कभी वो रिसोर्स के साथ एंटर होते हैं बहुत कम केसेस हैं जहां लोगों के पास रिसोर्स एट हैंड थे और उन्होंने सोचा कि इनका कुछ किया जाए अमूमा हमारी जो सक्सेस स्टोरीज अभी तक की स्पोर्ट्स में भी शेयर हुई हैं वहाँ सोशल एंटरप्रेन्योर्स मोस्टली दे स्टार्टेड विद एन आइडिया और फिर उन्होंने फाइनेंशियल रिसोर्स को एक्सप्लोर किया कि कहाँ से आएंगे कितने उन्हें रिसोर्स दरकार हैं वगैरह वगैरह तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग का एक इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग के हवाले से सबसे पहले सोशल एंटरप्रेन्योर को अपनी नीड जो है फाइनेंशियल उसको असेस करने की ज़रूरत है सोशल एंटरप्रेन्योर्स ये काम ख़ुद कर सकते हैं और इसके लिए वो बाकायदा एक्सपर्ट जो हैं वो हायर कर सकते हैं कि एक मिनिमम नीड कोई स्टार्टअप जिसको कहते हैं या सीड मनी जिसे कहते हैं वो कितनी ज़रूरत है उस कॉज को इनिशिएट करने के लिए काम को शुरू करने के लिए जो ज़रूरत है आपकी सीड मनी की या स्टार्टअप की उसकी फाइनेंशियल एलोकेशन क्या होगी क्या प्रायोरिटीज़ हैं किन एक्टिविटीज़ किन ऑपरेशन किन गुड्स या सर्विसेज़ के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा तकसीम उसकी जो है वो क्या होगी कैश फ्लो जो है वो किस तरह से होगा क्या एक ही दफ़ा कहीं से सारी जो मनी है स्टार्टअप या सीड मनी अरेंज करके एक ही दफ़ा उसको इस्तेमाल करना है या वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ऑपरेशंस जो हैं वो आगे चलते हैं गुड्स प्रोड्यूस होती हैं सर्विसेज डिलीवर होती हैं तो एक प्लो जो है उसमें फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए ये वो क्वेश्चंस हैं जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की स्टेज पर सोशल एंटरप्रेन्योर को कंसिडर करना होते सोशल एंटरप्रेन्योर के लिए यूजली दो सोर्सेज हैं फंडिंग के एक जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, फिलन या डोनर्स जो हैं उनकी ग्रांट्स या डोनेशंस जिनको वापस नहीं करना होता जिनको कॉज पर खर्च करना है और इन टर्म्स ऑफ सोशल इम्पेक्ट जस्टिफाई करना है दूसरा सोर्स जो है वो कमर्शल बैंक्स या इन्वेस्टर्स हैं जो के अपने पैसों के ऊपर रिटर्न चाहते हैं और उसके साथ साथ सोशल एंटरप्रेन्योर को सोशल सर्विस देना है इतने रेवेन्यूज जनरेट करने हैं कि वो उस मनी को उस सीड मनी को जो उसने फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट से हासिल किया है उसको रिटर्न कर सके बहुत दफ़ा उस पर इंटरेस्ट भी होता है उसको भी वो मैनेज कर सके और साथ साथ उसकी सर्विस डिलीवरी और उसकी क्वालिटी जो है वो इफ़ेक्ट ना हो तो सोशल एंटरप्रेन्योर को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की स्टेज पे डिसाइड करना है कि उसका जो मेन सोर्स ऑफ फंडिंग है वो क्या होगा उसको डोनेशंस पर रिलाई करना है जिसका मतलब ये हो सकता है कि कभी डोनेशन अवेलेबल होगा कभी नहीं होगा कभी ज़्यादा डोनेशन अवेलेबल है कभी बिल्कुल कोई पैसे जो हैं वो ज़रूरी कामों के लिए भी मौजूद नहीं है तो ये उसका डिसीजन होगा वीज़ा कमर्शियल कमर्शल मार्केट से सीड मनी ले के उसको इन्वेस्ट करने के और इस फैसले पर कि वो उसका सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है उसका बिज़नेस मॉडल जो है वो भी इम्पेक्ट होगा ये दोनों फ़ैसले दरअसल आपस में रिलेटेड होते हैं बाजुकात सोर्स ऑफ फंडिंग जो है वो डिटरमिन करता है कि बिज़नेस मॉडल क्या है और बाजुकात लोग इतने पैशनेट होते हैं इतने डिटरमिन होते हैं फॉर तो एग्जांपल वो सोचते हैं मैंने नॉन प्रॉफिट ही रखना है तो फिर उनका सोर्स ऑफ फंडिंग जो है वो महदूद हो जाता है चैरिटेबल या डोनेशन टाइप किस्म के जो सोर्सेज हैं उन तक लेकिन अगर जो दूसरी सूरत वो भी हो सकती है कि मैंने इस कॉज को ज़रूर हासिल करना है का उसके लिए मुझे कितना ही कहीं से भी पैसे लाने पड़े ऐसी सूरत में वो दूसरी ऑप्शन जो है उसको अवेल करते हुए नहीं हिंचाते हर दो सूरतों में एक बेस लाइन के तौर पे स्ट्रेटजिक प्लानिंग की स्टेज पे सोशल एंटरप्रेन्योर को कुछ डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत है फॉर एग्ज़ाम्पल उसका जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो रिसोर्स एलोकेशन उसमें जो एक और उसकी स्टेटमेंट है एक तरह से आप लेजे वगैरह मेंटेन करना जिसको कहते हैं वो ज़रूरियात एक तरह से अकाउंटिंग और ऑडिट के टर्म्स में ये स्टेज प्लानिंग की जो है या फाइनेंशियल प्लान जो है उसको किया जाता है इसके दो फायदे हैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर जो है दे दे के उनके रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे उन्हें हासिल करने में क्या चैलेंजेस हैं और ऑपरेशंस की किस स्टेज पर कितनी ज़रूरत है और वो मीट होगी नहीं होगी उसमें डिलेज होंगे अगर डिलेज होंगे तो क्या किया जाएगा वो इन चीज़ों के लिए तैयार हो जाता है और दूसरे ये जो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना जो है इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑर्डर्स ये डोनर्स के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सोशल एंटरप्रेन्योर को असिस्ट करते हैं हेल्प करते हैं जितनी उसकी बुक्स जो हैं वो अच्छी मेंटेन हुई होंगी डोनर्स के लिए उसके ऑपरेशन को एनालाइज करना आसान होगा इन्वेस्टर्स के लिए उस पर ट्रस्ट करना आसान होगा अगर अगरचे कभी भी ये सोशल एंटरप्रेन्योर्स का स्ट्रॉग पॉइंट नहीं रहा फाइनेंशियल प्लानिंग लेकिन इंक्रीजिंगली क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में इंक्रीजिंगली अब ये फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो ज्यादा कंक्रीट और ज्यादा बिजनेस लाइक मोड में की जा रही है थैंक यू